भाजपा मुक्त भारत यह नारा तो कांग्रेस जमाने से लगा रही है। ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक, के चंद्रशेखर राव से लेकर अखिलेश यादव तक, और अब नीतीश कुमार भी इसी लाइन में है। हालांकि यह नारा तो ठीक है, लेकिन कोई बताए तो यह कि कौन आगे होगा जो इस नारे को हकीकत में तब्दील करेगा। देश की जनता किसी ऐरे गैरे के साथ नहीं जाने वाली, लेकिन नीतीश कुमार के अरमान ताजा ताजा जागे हैं, इसलिए पोस्टर बैनर से इशारेबाजी तक सब कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सब करने भर से वे भाजपा मुक्त भारत कर पाएंगे? जब तक नीतीश कुमार कुछ करें, भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर को जेडीयू मुक्त कर दिया, अब भाजपा के निशाने पर बिहार है। भाजपा नेता सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने राडार पर लेते हुए कहा कि मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक भाजपा में शामिल हुए, राज्य जेडीयू मुक्त हो गया है, वे विधायक एनडीए में बने रहना चाहते थे। बहुत जल्द हम बिहार में जेडीयू आरजेडी गठबंधन को तोड़ देंगे और राज्य को जेडीयू मुक्त कर देंगे। होर्डिंग और पोस्टर लगाकर कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। मणिपुर में जेडीयू को भाजपा ने तगड़ा झटका दिया है। नीतीश कुमार के 6 में से 5 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस राजनीतिक घटना ने मणिपुर और बिहार में सियासी भूचाल ला दिया। जेडीयू इसे असंवैधानिक बता रही है, तो वहीं भाजपा ने खुले दिल से जेडीयू के बागी विधायकों का स्वागत किया। पटना में जेडीयू की 2 दिनों की मेगा बैठक चल रही है। नए नए होर्डिंग्स और पोस्टर से जेडीयू ऑफिस पटा हुआ है। सोनिया गांधी से मिलने का नीतीश कुमार प्रोग्राम बना चुके हैं। इन सब के बीच सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक भाजपा में शामिल हुए, राज्य जेडीयू मुक्त हो गया है। बहुत जल्द हम बिहार में भी ऐसा ही करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा किया कि इन लोगों ने महाराष्ट्र में जो किया है उसका भी असर देश भर में हो रहा है, मध्य प्रदेश में जो किया है उसका भी असर हुआ है, दिल्ली में जो करने की कोशिश की उसका भी प्रभाव है, झारखंड में जो कर रहे हैं उसका भी असर होगा। उनकी ये सारी कार्रवाई बताती है कि वो बौखलाहट में हैं, वो घबराए हुए हैं। 2024 को लेकर उनकी घबराहट साफ दिखाई दे रही है। बिहार के नस नस में राजनीति है, यहाँ कुछ नया नहीं होगा। हमारी पार्टी में एक एजेंट को लेकर काफी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।